रक्षम का बिजनेस हो रहा है ठप। नित्यम ने शुरू किया ई रिक्शा प्रोजेक्ट। नित्यम को मिलेगा क्या रिक्शा ड्राइवर्स का साथ? कलर्स टीवी के शो साबिक की सवारी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब छत्री प्रसाद चलाने के बाद नित्यम ने एक और कदम आगे बढ़ाया है अपने करियर को लेकर। वो है ई रिक्शा प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। अब वही ई रिक्शा प्रोजेक्ट नित्यम शुरू करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर दालमिया इंडस्ट्री में जहां पर सोनम और रक्षम का राज चल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने अपना कंसर्न जाहिर करते हुए कहा है कि कंपनी का एक रुपए का भी मुनाफा नहीं हो रहा है। रक्षम इंडस्ट्री के पूरे काम को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा है। वहीं सोनम ने सबको इस बारे में भी बता दिया है कि अब ई रिक्शा प्रोजेक्ट दोबारा से नित्यम शुरू कर रहा है, लेकिन बोर्ड ऑफ मेंबर्स का कंसर्न यहां पर नहीं है। उनका पूरा पूरा जो ध्यान है वो रक्षम की कैपेबिलिटी पे है, जो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नित्यम को क्या ऑटो ड्राइवर्स का साथ मिलता है, क्योंकि उन्होंने तो इनकार कर दिया है फ्री फंड में उनके इस प्रोजेक्ट में हाथ मिलाने का। अब आगे नित्यम को क्या मिलता है और रक्षम अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाता है, इन दोनों के बीच में किसकी जीत होगी किसकी हार, देखना बहुत दिलचस्प होगा। सावी की सवारी शो आप कितना पसंद कर रहे हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।